1.5 आवर्स हो गए यहाँ पर फंसे, और रास्ता सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, मुझे 1.5 घंटा हो गया भाई यहाँ पर। अभी आप ही बताओ। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रोहित अग्निहोत्री, और आज की वीडियो है हमारे नंगल डैम के ऊपर, क्योंकि आजकल नंगल डैम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, जिस करके मैं आज इसके रिगार्डिंग ही वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आज इसके रिगार्डिंग इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नंगल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है, 2 साल हो गया फ्लाईओवर को बनते हुए, अभी तक भी मुझे लगता है 7-1.5 साल हो लग जाएगा इसको बनते हुए, तो इसके रिगार्डिंग ही आप वीडियो बना रहा हूँ। और भाई नंगल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हिमाचल से जो आ रहे हैं चंडीगढ़, जो यहाँ से हिमाचल घूमने जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल तो यार मुझे भी बहुत हो रही है, क्योंकि आजकल हिमाचल के लोग, एक शॉर्टकट एक रास्ता है हमारे गांव से, ये साथ में नहर है, आप नहर देख सकते हो, यहाँ से रास्ता जाता है, ये यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा नंगल के बारे में बताता हूँ। नंगल भाई बहुत स्मॉल सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। मेरा भाई गया यार, राहुल शर्मा जी देखा नहीं है मुझे यार, इग्नोर कर दिया, सत्संग जा रहा है क्योंकि आज संडे है इसलिए सत्संग जा रहे हैं। ये सत्संग रोड है जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ नंगल के, जो रहने वाले हैं उनको पता होगा। तो आज नंगल एक स्मॉल सिटी है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप जो नंगल के बाहर वाले जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो प्लीज़ यहाँ आओ और घूमो, बहुत अच्छी जगह है और आपको भी अच्छा लगेगा, और यहाँ का जो पानी नहर है बहुत औसम व्यू। बाकी भाई मैं कार चला रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ आगे, ये देख सकते हो व्यू, नंगल का व्यू देख सकते हो, रश कम दिख रहा होगा आपको, पर डैम के पास आपको लेके जाऊंगा तो देखना उस टाइम कितना यहाँ पर रश होएगा भाई। एक तो यहाँ हिल एरिया साथ में पड़ता है जिससे व्यू बहुत अच्छा देखने को लगता है, आप देख सकते हो, नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ से, एक हिल एरिया अगर कभी, ये थोड़ा नंगल फेमस हमारा, यहाँ से आप भाखड़ा डैम देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, किसी ने गाड़ी खरीद ली है आजकल, कोई भी मोटरसाइकिल से मतलब आना नहीं चाहता। मैं भी यार गाड़ी खरीदी हुई है, मैं भी आजकल मोटरसाइकिल में कम जाता हूँ। ये हम पहुँच चुके हैं हम अड्डा मार्केट, एक मेन मार्केट है अड्डा मार्केट, ये नंगल में दोनों फेमस जगह है सामान खरीदने के लिए, पर मेन मार्केट थोड़ी महंगी है, वहाँ पर लोग कम ही जाते हैं। ये देख सकते हैं नहर, नहर कितना ऑसम व्यू है, देता हूँ व्यू आगे का व्यू बता देता हूँ कि कैसा दिख रहा है, देख सकते हो ट्रैफिक कितना है, मैंने आपको ट्रैफिक की बात की थी ये तो बहुत ज़्यादा, मैं पीछे खड़ा हूँ भाई, सब आगे निकल रहे हैं, पीछे भी देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, सामने लिखा हुआ है पढ़ सकते हो आप,
कोशिश करूँगा आपको छोटी छोटी क्लिप या आपसे वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि भाई कितना यहाँ पर भीड़ लगती है, जो नंगस से होकर जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और वो भाई मेरी वीडियो को पूरी अच्छी तरह फील कर रहे होंगे। भाई आपकी ट्रैफिक तो है यहाँ पर, ये देखो पीछे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखो कितना ट्रैफिक है, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। मैं टाइम से मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, जो नंगल में ट्रैफिक है उसके रिगार्डिंग, पर आज मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं। फिर आज मैं फुल मूड में हूँ आज वीडियो के बनाने में, और प्लीज़ वीडियो को देखो, लाइक करो, आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करें। 1.5 hours हो गए यहाँ पर फंसे, और रास्ता सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, मुझे 1.5 घंटा हो गया भाई यहाँ पर। अभी आप ही बताओ कोर्स वाले भी बेचारे लगे हुए हैं। सामने आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ दिल्ली एंड रूपनगर, आप सीधा जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते, आगे से सिर्फ ये लोकल वास्ता रखा है कि ओनली नंगल सिटी वाले जा सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ से ही जाते थे दिल्ली और चंडीगढ़ रूपनगर जिसने जाना हो, पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण इनको अभी सीधा मतलब राइट साइड रास्ता निकाल दिया है। देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वाली साइड भी देख सकते हो, उस वाले भी आगे बेचारे लगे हुए हैं ट्रैफिक को कम करने के लिए। साथ वाली आप लाइन देख रहे होंगे, ये दिल्ली वाली नंबर देख रहे होंगे आप, ये दिल्ली के लिए, पूरे दिल्ली या प्रॉपर चंडीगढ़ जाना है उसके लिए रास्ता बनाया हुआ, उसके साथ वाला भी वही है। जो मेरे सामने आप देख रहे हो रास्ता, ये हिमाचल के लिए, सॉरी नंगल के लिए, जो लोकल है यहाँ पर रहते हैं। चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ जाने के वाले भी होते हैं, नंगल वाले भी होते हैं, लोकल यहाँ पर रहते हैं लोग, और हिमाचल से भी आते हैं, कोई हिमाचल जा रहा है जो आ रहा है, वो ट्रैफिक मिलेगा आपको यहाँ पर, आप देख सकते हो। पहुँच चुके हैं हम NFL यहाँ पर खाद बनती है, यहाँ पर आके सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 यहाँ पर आके ऐसा लगता है जैसे कि चंडीगढ़ के सेक्टर में घूम रहे हैं। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी मतलब रश बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, बस रश जो था वो पीछे ही था। अभी आप आराम से घूम सकते हैं, ये सेक्टर 1 आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के सामने। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करो इसको, और मैं नेक्स्ट वीडियो हो लेके आऊँगा, अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, इससे भी ज़्यादा बेटर अच्छी वीडियो। मेरी कोशिश होती है कि अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश करूँ वीडियो से, और कंटेंट बहुत बेस्ट लेके आऊँ आपके लिए, पर कोशिश चल रही है। अभी भी आपको शायद मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो तब भी कमेंट करो, जिससे मैं पता लगे कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में वो खुश हैं मुझसे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।